हम क्लास की शुरुआत क्लिपबोर्ड मतलब कि कॉपी पेस्ट से करेंगे। अब बोले ये कॉपी पेस्ट क्या जरूरत पड़ती है, नॉर्मली कॉपी पेस्ट होती है, लेकिन हम कॉपी पेस्ट में बात कर रहे हैं पेस्ट स्पेशल की। पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल में क्या होता है कि जब हम कॉपी करते हैं और कहीं पे पेस्ट स्पेशल करते हैं तो हमें एक कुछ फीचर्स मिलते हैं कि हम पूरी की पूरी डेटा को पेस्ट ना करें, एक पर्टिकुलर डेटा को पेस्ट करें। तो पूरी की पूरी डेटा को पेस्ट ना कर एक पर्टिकुलर डेटा को पेस्ट कर। तो आपके सामने मैंने एक छोटा सा डेटा बात करते करते क्रिएट कर लिया है। अब देखिए छोटे डेटा पे मैं ज्यादातर जो बेसिक चीजें पढ़ाता हूँ इसलिए क्योंकि तो आपको उसका जो इफेक्ट है वो इफेक्ट समझ में आ जाए। बड़े डेटा पे आपको बस पता नहीं लगता कि क्या हुआ। अब मैंने इसको कॉपी करके नॉर्मली आप यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो जैसा डेटा है सेम उसी तरह का पेस्ट होगा, लेकिन हम इसमें पेस्ट स्पेशल करते हैं। तो पेस्ट स्पेशल में हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि फॉर्मूला। हमने फॉर्मूला पे क्लिक किया तो फॉर्मूला पेस्ट किया। अब रैन बिटवीन का फॉर्मूला मैंने लगा रखा है जो कि रैंडम डेटा को चेंज करता है हमेशा, देखिए चेंज करता है। तो ये फॉर्मूला से डेटा चेंज हो रहा है, इसको स्किप कीजिए। अब कुछ लोगों की सवाल ये है कि हमने पेस्ट जो फॉर्मूला किया तो यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट हो गया, इट्स गुड, लेकिन जैन क्यों पेस्ट हुआ, पूजा क्यों पेस्ट हुआ, क्योंकि इसमें फॉर्मूला तो नहीं है। देखिए फॉर्मूला का तात्पर्य है एक्सेल में वो ये है, फॉर्मूला का जो तात्पर्य है ये है कि जो फॉर्मूला बार में विजुअल है, इसको फॉर्मूला बार करते हैं कहते हैं, जो फॉर्मूला बार है इसमें जो विजुअल है उसको इसने क्या किया है, कॉपी पेस्ट किया है फॉर्मूला बार को, राइट। तो अब इसमें दिक्कत आती है कि मैं चाहता हूं पेस्ट एज ए वैल्यू करना, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, सॉरी फॉर्मेट सेल पे क्लिक हो गया, माफ कीजिएगा, कॉपी, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में मैंने वैल्यू सेलेक्ट कर लिया। जब वैल्यू को सेलेक्ट किया देन ओके कर रहा हूं, तो देखिए आपके सामने वैल्यू पेस्ट हुआ है। तो वैल्यू पेस्ट मतलब जो कंटेंट दिख रहा है इसमें, आप देखिए इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। अब इसका यूज हम लोग करते हैं ऑफिस में, आप लोग भी करते होंगे। अब यहाँ पे एक और सवाल उठ के आता है कि मैं पेस्ट तो करना चाहता हूँ, मैं पेस्ट करना चाहता हूँ लेकिन किसी और लोकेशन में नहीं, किसी और लोकेशन में नहीं पेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इसको कॉपी करके मतलब कि जो जहां लोकेशन है मतलब कि मैं फॉर्मूला रिमूव करना चाहता हूँ। सिंपल से कहने की बात है मेरी कि यहाँ आप देख पा रहे हैं मेरे फॉर्मूला है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से इसका फॉर्मूला रिमूव हो जाए, मतलब ये कॉपी करके कहीं और किसी और लोकेशन में मैं पेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं पेस्ट करना चाहता हूँ उसी लोकेशन में। वो कैसे करेंगे, तो बेसिकली कुछ नहीं करना है, आप कॉपी करें इसको और इसी के ऊपर, हाँ कॉपी कर लीजिए और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल में पेस्ट वैल्यू कर दीजिए। तो इसकी वैल्यू, इसकी जो फॉर्मूला ऊपर आपको दिख रहा है, इस फॉर्मूले से रिमूव कर देंगे। इसका यूज हम लोग बहुत करते हैं, कैसे कहाँ पे करते हैं, तो चलिए आपको हम एक छोटा सा लाइव डेटा वाला एग्जांपल बताते हैं। मैं एक रिपोर्ट यहाँ ओपन करता हूँ, फिर सेल्स डैशबोर्ड, एक डैशबोर्ड मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ। अब इस डैशबोर्ड में देखने के बहुत सारे चार्ट्स हैं और यहाँ पे फॉर्मूला भी है, यहाँ फॉर्मूला है दिख रहा है आपको, उसके अलावा और भी जगहों पे, दो तीन जगहों पे फॉर्मूला अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूला है। अब प्रॉब्लम है ये रिपोर्ट जो है ग्राफिकली डिजाइन किया गया है लेकिन कुछ कुछ जगहों पे फॉर्मूला का भी इस्तेमाल किया गया है। अब मैं इसको फॉर्मूला रिमूव करना चाहता हूँ। अब फॉर्मूला रिमूव क्यों करना चाहेंगे, देखिए क्या है कि इस रिपोर्ट को मुझे भेजना है, इस रिपोर्ट को मुझे भेजना है, किसको भेजना है,
भेजना है हमें एक थर्ड पार्टी को भेजना है। तो प्रॉब्लम क्या है कि जिसको मुझे रिपोर्ट भेजना है, जिसको मुझे रिपोर्ट भेजना है, वो जो है उसके पास डेटा का एक्सेस नहीं होना चाहिए, या फिर डेटा इतना बड़ा है कि अगर मैंने उसको रिपोर्ट भेजा तो मेल पे जाएगी नहीं, या फिर बहुत प्रॉब्लम करेगी। सो आई वॉन्ट टू जस्ट सेंड दिस रिपोर्ट, ओनली फॉर इस दिस रिपोर्ट को हम भेजना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे और इसको करेंगे मूव एंड कॉपी, और क्रिएट कॉपी पे क्लिक कर देंगे और यहाँ एक न्यू वर्क बोलेंगे। तो क्या होगा कि पूरी की पूरी सीट को जैसा है सेम उसी तरह से कॉपी पेस्ट कर देगा एक नई वर्कबुक पे। देखिए कर दिया, लेकिन नई वर्कबुक करने के बाद अभी भी देखिए ये फॉर्मूला लिंक है हमारे डैशबोर्ड वाली फाइल से। अब मेरे सिस्टम पे फाइल है इसलिए रिपोर्ट दिख रही है, लेकिन किसी और के सिस्टम पे गया तो वहां तो नहीं दिखेगा, क्योंकि तो वहां तो डैशबोर्ड वाली फाइल उसको मिलेगी नहीं। तो अब आपको यहाँ एक एक करके यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो आप सिंपल जो है ना ए और वन के बीच में जो यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है ना, जिससे पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट होती है, उस पर क्लिक करें, देन आप कॉपी करें और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में आप क्या करें यहाँ पे सेलेक्ट कर लें वैल्यू। तो एक क्लिक में क्या करेगा, आपकी रिपोर्ट के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेगा, आपका चार्ट के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेगा, वो सिर्फ जहां जहां फॉर्मूला लगा हुआ है उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, वो भी एक बार में। तो कपिल जी, श्रवण जी, समझ में आया आपको? हेलो, डाउट इसमें हाँ बोलिए नहीं चलिए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसको फाइल को मैं क्लोज करता हूं। अब यहां हमारा हो गया, अब मुझे क्या करना है, ये तो ठीक है चलिए। अब इसमें और भी चीजें हैं कि मैं राइट क्लिक करके कॉपी करूंगा, इस पे पेस्ट स्पेशल में हमारे पास पेस्ट एज ए वैल्यू सॉरी फॉर्मेटिंग है, ये फॉर्मेटिंग पेस्ट कर देगा। उसी तरह से कमेंट्स, आपने अगर कोई कमेंट्स वगैरह ले रखा है यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट कमेंट मैंने कर दिया, न्यू कमेंट इसमें डाल दिया कि दिस इज फाइनल सेल, इस तरह की कमेंट्स हम डाल देते हैं। ये कमेंट कब दिखेगा, जब मेरा माउस कर्सर इस पे जाएगा। अब मैं इसको कॉपी करके कहीं पेस्ट करना चाहता हूँ, सिर्फ कमेंट, तो पेस्ट स्पेशल में कमेंट एंड नोट्स यहाँ पे करूंगा, तो सिर्फ कमेंट ही पेस्ट होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। डेटा पेस्ट नहीं हुआ, फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं हुआ। अब मैं इस पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में यहाँ हमारे पास ऑल एस्पेक्ट, यहाँ पे ऑल एस्पेक्ट बॉर्डर है, सब कुछ आएगा, बॉर्डर नहीं आएगा। पेस्ट स्पेशल में मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कॉलम विड्थ, सिर्फ कॉलम की विड्थ पेस्ट हो। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कॉलम विड्थ की जरूरत पड़ती है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पे थोड़ा सा जोर दे रहा हूँ। क्या होता है कि हम रिपोर्ट को थोड़ा सा अपने हिसाब से कॉलम छोटा, अभी भी देखा जस्ट डैशबोर्ड की हमने दिखाया आपको, उसमें हमने कॉलम की साइज अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर रखा था। अब मैं इसको, माफ कीजिएगा म्यूट हो गया था, मैं इसको कॉपी करके यहाँ अगर पेस्ट करता हूँ या किसी भी जगह पे पेस्ट करता हूँ, तो आपका जो कॉलम का विड्थ है वो कॉलम का विड्थ पेस्ट नहीं होगा, सिर्फ डेटा पेस्ट होगा। तो विड्थ पेस्ट करने के लिए हम पेस्ट स्पेशल में विड्थ को सिलेक्ट करते हैं, तो विड्थ पेस्ट होती है। लेकिन इस पे ध्यान रखिएगा कि पेस्ट स्पेशल में मैंने सिर्फ विड्थ ले लिया तो सिर्फ विड्थ पेस्ट होगा, डेटा पेस्ट नहीं होगा। तो आपको डेटा मैनुअली पेस्ट करना होगा, अभी मैंने कंट्रोल वी मैनुअली किया है तो डेटा आया है। अब डेटा में हम बात करते हैं कि हमारे डेटा में डेट्स भी होते हैं, तो डेट्स को अगर मैंने यहाँ पे किया, इसको कॉपी किया और यहाँ पे हम पेस्ट करके स्पेशल में, मैं इसको पेस्ट स्पेशल में वैल्यू कर देता हूँ उसे,
पेस्ट स्पेशल में क्या कर देता हूँ, सिर्फ वैल्यू। तो वैल्यू करने से क्या होगा कि यहां आप देखेंगे कि सिर्फ नंबर्स आ रहा है। तो श्रवण जी आप मुझे समझाएंगे कि नंबर्स है क्या, कुछ आइडिया है आपको? ये सब कोई डेट का ही फॉर्मेट है बेसिकली जो चेंज हो गया है यहाँ पे, ठीक है? फॉर्मेट चेंज हो गया, बात देखिए नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है, इस नंबर से क्या समझ रहे हैं, क्या कोई कोड है? हाँ मतलब इट कुड बी कोड जो उसकी एक एक्सेल की कुछ फॉर्म में लिखा हो सकता है, कुछ फॉर्मूला नहीं है, ध्यान रखिएगा इसे समझ लीजिए, क्योंकि आपको ये चीज आपको आगे डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन में आपको ज्यादा सपोर्ट करेगा। तो एक क्या है, नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ डेज। कंप्यूटर कैलेंडर क्या है कि आपके जो कैलेंडर है आपका, हमारा जो कंप्यूटर का कैलेंडर है वो नंबर ऑफ डेज पे डिजाइन है, समझे? मतलब कि वो डेट को डेज में स्टोर रखता है, ठीक है? तो ये डेज इसने जो मतलब यू मीन टू से दैट कि ये डेज है? हाँ, ये हमने जो डेट डाला है ना उतना दिन तक सारे डेट है। अब डेट है तो कौन सा कितना दिन है, मतलब कि क्या अभी तक प्रमाण 44,000 दिन पे है क्या? नहीं, कंप्यूटर कैलेंडर जो आपका स्टार्ट है ना वो 1 जनवरी 1900 से है। फर्स्ट जैन 1900 मतलब कि उससे पहले का डेट अगर एक्सेल में आप डालते हैं ना तो एक्सेल उसको एज ए डेट नहीं लेता है, टेक्स्ट लेता है। आपको जो 1800 1700 1500 की डेट अगर डालनी हुई सन की तो सिस्टम उसको डेट एज ए डेट लेगा ही, समझे सर? अब इस बात को साबित कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने तो बोल दिया तो चलो आप मुझ पर बिलीव कर रहे हैं, लेकिन आप किसी को बोलेंगे और वो आप पे बिलीव नहीं करेगा तो बोलेगा ऐसे ठीक रहा है क्या? प्रूफ तो होना चाहिए सर। तो देखिए इसको साबित करने का तरीका सिंपल है कि आप यहाँ पे वन लिखे और इस वन के ऊपर आप डाल दीजिए डेट, 1/1900 आ गया, मतलब कि कंप्यूटर कैलेंडर का पहला दिन, मतलब कंप्यूटर वर्ल्ड का, कंप्यूटर की जो दुनिया है उसकी जो इनवर्स है उसका पहला दिन क्या है, 1 जनवरी 1900। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए 3 लिखता हूँ तो देखिए 3 जनवरी होगा, अगर मैं यहाँ पे 23 लिखता हूँ तो 23 होगा, अगर 32 लिखता हूँ तो देखिए फरवरी आ गया, 1 फरवरी आ गया। अब मैं इसी में मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 65 लिखता हूँ तो देखिए मार्च हो जाएगा। तो उसने कैसे जोड़ा, उसने जोड़ा कि 65 था तो 65 को उसने कंट्रीब्यूट किया 1 से 31 जो था, तो क्या माना जनवरी माना ना सर 1 से 31 को, फिर 1 से 29 को क्या माना फरवरी माना, और 29 क्यों करो क्योंकि लीप ईयर है ना, उसके बाद जो बच्चा हुआ मार्च हो गया। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 362 डालता हूँ तो देखिए 370 डालता हूँ तो देखिए ईयर चेंज हो गया। ऐसे ही 44,652 डालूंगा तो ये हमारे 1 जनवरी 2022 डेट दे दिया। ये आउटपुट मुझे तब दे रहा है जब मैं डेट फॉर्मेट यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, अदरवाइज अगर मैं कुछ नंबर या कुछ सेलेक्ट करूंगा तो ये चेंज नहीं होगा। हाँ मतलब कि जब इस पे डेट फॉर्मेट चेंज करते हैं ना, डेट फॉर्मेट भी होता है। अब ऐसा हुआ क्यों और इसको जानना जरूरी क्यों बोला मैं, क्या है कि सिस्टम के अंदर में किसी भी नंबर के साथ अगर टेक्स्ट लग गया तो उस पे किसी भी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होती है, बट डेट के ऊपर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिख रहा है 1 जनवरी 2022 बट एक्चुअल में क्या है 44,562 और उसमें वो जोड़ के मतलब कि 20 दिन जोड़ के इसने 44,582 बताया, लेकिन जब इसके ऊपर हम यहां
सबन जी आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं सेशन? रिकॉर्ड कर लीजिए सेशन को, ऑल्ट प्लस आर प्रेस कीजिए, रिकॉर्ड शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, एक्चुअली क्या ना ये लैपटॉप बेसिकली ऑफिस का है तो उसमें कुछ कर नहीं सकता। मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। हाँ, कुछ इसके इस मैंने अगर डेट अप्लाई किया तो क्या बन गया? डेट बन गया, समझ गए? क्लियर सर? क्लियर। अब यहां पे हम बात करते हैं कि इसलिए डेट किया गया, लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप डेट को कॉपी पेस्ट करते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि आपका डेट जो है वो नंबर की फॉर्मेट में हो, डेट की फॉर्मेट हो, लेकिन बाकी की जो फॉर्मेटिंग है वो आप नहीं चाहते कि आए, तो उस केस में राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में हम सिलेक्ट करते हैं फॉर्मूला और नंबर के जगह पे फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट एंड वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट। हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप देखिए यहाँ पे सब कुछ आएगा, सब कुछ नहीं आएगा, सिर्फ टाइम डेट की जो फॉर्मेट, मतलब जो नंबर की फॉर्मेटिंग होती है, डेट टाइम करेंसी वगैरह, वो फॉर्मेट सिर्फ आएगा, बाकी फॉर्मेट्स नहीं आएंगे। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन, जैसे कि ये चीजें मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी कि अगर मैं 20 को कॉपी करता हूँ 30 के ऊपर तो 30 रिप्लेस हो जाता है 20 से, लेकिन हम रिप्लेस ना करना चाहते हैं, मैंने कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे आपके ऑपरेशंस हैं, जैसे मैंने ले लिया मल्टीप्लाई या ऐड, तो इन दोनों के बीच में सेम कैलकुलेशन होगा और 600 यहाँ देखिए आपका पेस्ट हो गया। देखिए इसका बेनिफिट क्या है, चलिए अभी इसका एक और एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पे नेम इसी को ले लेते हैं, मान लीजिए ये जो डेटा हमारे पास इसी को लेते हैं। अब इस डेटा में मेरा क्या है कि ये नॉर्मल डेटा है हमारा, ओके। तो हमने सेल्स का मान लो कि जनवरी में कितना सेल्स हुआ, फरवरी में कितना हुआ, मार्च में कितना हुआ, ये सेल्स है। लेकिन ये सेल्स हमने मेल जो भेजा उनको बोला कि नहीं मुझे सेल्स नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि किसने क्या किया, मुझे ये बताओ कि किसके कितना परसेंट अचीव किया। किसने कितना परसेंट अचीव किया, तो उस केस में टारगेट जो है हमारा वो 70 है। टारगेट हमारा क्या है 70, तो मैं 70 को कॉपी करूंगा, पूरे डेटा पे जाऊंगा, पेस्ट इस ये सिर्फ नंबर पे वैल्यू पे नहीं, पेस्ट स्पेशल और डिवाइड कर दूंगा, ये डिवाइड बाय 70 हो जाएगा, सबको डिवाइड कर देगा और यहाँ आप परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए, ये आपका परसेंटेज में आ गया। इस तरह की कैलकुलेशन हम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेल मान लीजिए कुछ फिगर है, स्किप ब्लैंक को एक बार समझ लीजिए क्या करता है स्किप ब्लैंक। मान लीजिए कि इसमें हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं और यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, मैं इसको कॉपी करके इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल में गया और पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद मैंने यहाँ पे स्किप ब्लैंक कर दिया, तो क्या हुआ जो ब्लैंक है ना वो पेस्ट नहीं होगा, जिसपे नंबर है ना वही अपडेट होगा, सिंपल। आगे बढ़ते हैं इसमें, अब आती है ट्रांसपोज हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लिंक का, जैसे आपके पास डेटा है और डेटा को लिंक चाहते चाहते कि जो डेटा यहाँ जैसा दिख रहा है सेम या डेटा यहाँ पे लिंक हो जाए, इसको कॉपी कीजिए और पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए लिंक कीजिए, ये देखिए लिंक हो गया, मतलब कि मैं यहाँ पे 42 के जगह पे 24 का एंटर मारूंगा, देखिए यहाँ पे आ गया, अ सेम शीट अनदर फाइल सब पे वर्क करेगा।
उसके बाद हम इसको पिक्चर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ जो है पेस्ट इज ए पिक्चर, ये पिक्चर में आ गया। अब इसको छोटा कर लीजिए, इसको रोटेट कर लीजिए, जैसे करना है उसको ऐसे कर सकते हैं। फिर पेस्ट स्पेशल में यहां हम इसको पेस्ट इज ए पिक्चर लिंक, क्योंकि पिक्चर होने पे आप इसकी इसमें जब अपडेट नहीं कर सकते, आपने ओरिजिन में अपडेट को चेंज किया तो उसमें चेंज नहीं होगा, यहाँ पे पेस्ट इज ए पिक्चर लिंक कर सकते हैं। लिंक करने पे क्या हो जाएगा आपका, है कि जब मैं यहाँ कुछ चेंज करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे 40 करके एंटर मारूंगा, यहाँ देखिए आपका 40 हो गया। यहाँ तक कि कोई अगर फॉर्मेटिंग कोई कलर में यहाँ से चेंज करता हूँ तो यहाँ भी चेंज हो। ठीक है, ठीक है सर। अब ये चीज जब जरूरी नहीं कि एक्सेल पे करें, आप एक्सेल टू वर्ड, मैं एमएस वर्ड खोलता हूं तो आप देखेंगे कि मैं एमएस वर्ड पे भी सेम पेस्ट स्पेशल यहां पे पेस्ट एज ए लिंक कर सकता हूं। यहां देखिए हो गया सर। अब मैं एक्सेल में चेंज करूं, जैसे मैंने मान लीजिए कि कविता को सेलेक्ट करके कलर कर दिया या वैल्यू चेंज कर दी, दोनों किसी से वर्क करता है, हो गया। सेम इसको पावर पॉइंट, सेम इसको आउटलुक, सब पे इसको कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा सर, रिपीट करना कैसे किया था एक बार। सर मैं पावर पॉइंट बता देता हूँ आपको, ठीक है। आप जो यहाँ पावर पॉइंट मेरा खुल के आ गया हुआ है ना, अब मान लीजिए कि मुझे ये जो पेस्ट स्पेशल पेस्ट दिखता है, पेस्ट नॉर्मल पेस्ट तो नहीं, यहाँ नीचे पेस्ट में देखिए यहाँ पे आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका पेस्ट स्पेशल यहाँ दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पेस्ट लिंक दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए एंड ओके कर दीजिए। समझे? यस सर। अब एक चीज और आती है, अब मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे शीट पे डेटा है, मान लीजिए इसी डेटा को मैं क्या करता हूँ, रैन बिटवीन लगा देता हूँ, हर शीट पे अलग डेटा होना चाहिए। यहां भी इसको कॉपी किया, यहां पेस्ट, यहां पे पेस्ट कर दिया। ऐसे करके मैं करीब 4-5 सीटों में पेस्ट कर, ठीक है, इसको मैं 4-5 सीटों पे पेस्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया कि मैं शिफ्ट दबा के सबसे लास्ट में सिलेक्ट किया, कॉपी करता हूं और इसी पे इसको हम पेस्ट एज ए वैल्यू कर देता हूं, पेस्ट एज ए वैल्यू। अब प्रॉब्लम यह है कि इस सारे डेटा को मुझे एक सीट पे कुलेट करना है, डेटा शीट मुझे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे इसको कुलेक्ट करना है, कैसे करना, क्योंकि अगर मैं इसको कॉपी करूं फिर जाऊं यहाँ पे पेस्ट करूं, सेलेक्ट करके पेस्ट कर लिया, फिर दूसरे में जाऊंगा कॉपी करूंगा, फिर साइज में जाऊंगा लास्ट में आऊंगा इसको पेस्ट कर लूंगा, फिर तीसरे में जाऊंगा कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ऐसे बहुत टाइम लगेगा ना सर। तो इसका आप ये तो नहीं करते कि ऑटोमेट कर देगा, लेकिन हाँ इसके मेरे पास 50% काम करने का मेरे पास उपाय है। वो क्या है बताता हूँ आपको, मैं सबसे पहले यहाँ जो क्लिप बोर्ड है ना, इस क्लिप बोर्ड को ऑन कर दूंगा। अब मैं सिर्फ कॉपी करते जाऊंगा, कॉपी, बस आप इसको कॉपी करते जाओ, कॉपी 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 कॉपी
अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट ऑल कर देता हूँ। पेस्ट ऑल कर दिया सर, दिख गया। तो 50% कम हो गया, मतलब कि जो भी आप जब क्लिपबोर्ड ऑन कर देंगे, आप जब भी कोई कॉपी करेंगे वो आपकी क्लिपबोर्ड में आ जाएगा। अब उसको आप जब मर्जी जितना बार उतना बार इसको पेस्ट कर सकते हैं, कोई एक को पेस्ट कर सकते हैं, या फिर क्लिक कर दीजिए कोई एक पेस्ट हो जाएगा, या फिर आप पूरे को पेस्ट कर सकते हैं। और फिर नया डालना है तो किसको क्लियर ऑल कर दीजिए। तो क्लिप बोर्ड का यूज हम लोग करते हैं इस चीज के लिए। कहाँ से करते हैं, तो ये सामने दिख रहा है इसको, बस इस पर क्लिक करके सिर्फ ऑन कर देना, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑन कर देना। समझ गए? हेलो। तो यहां पे मेरा पेस्ट स्पेशल का टॉपिक होता है खत्म। अब आप लोगों के पास कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे हम बढ़ेंगे। श्रवण जी, कपिल जी, कोई सवाल है? नो सर। श्रवण जी? नहीं सर, ये तो क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग ट्रिक्स की। फॉर्मेटिंग ट्रिक्स की जो है हम बात करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे टेंथ लिख के टीएच लिखता हूं, तो आप देखते हैं टीएच हमारा ऊपर नहीं जाता है। तो आप इस पर डबल क्लिक करें, टीएच को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल, और यहाँ पे आप कर दें सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट करते ही देखिए बड़ा जाएगा। ऐसे आपको 10 डिग्री लिखना है तो स्मॉल ओ लिखे, डबल क्लिक करें और राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल, और इसमें आप सुपर स्क्रिप्ट करें तो देखिए ऊपर चला जाएगा, ये आपका डिग्री हो गया। नीचे लाने के लिए आप जो यहाँ पे H2O का यूज करते हैं, जैसे 2 को नीचे लाना है तो पेस्ट स्पेशल सब स्क्रिप्ट, ये आपका नीचे आ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास कुछ नंबर्स ज्यादा है जो कि मैं यहाँ पे आपके साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इसमें सबको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे एक सेल पे तरीका जो अलग है कि आप लिखोगे फिर डबल क्लिक करके उसी पर्टिकुलर करेक्टर को सिलेक्ट करके करना है, क्योंकि अगर आपने पूरे सेल को कर दिया तो पूरा का पूरा सेल आपका ऊपर चला जाएगा, एक पर्टिकुलर करेक्टर नहीं जाएगा। तो इसलिए 1 by 1 करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 4-5 हो तो कर लोगे, लेकिन अगर आपको 4-500 हुआ तो काफी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके साइड में हम स्मॉल ओ देंगे और इस स्मॉल ओ के नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, और फिर इसको एकदम एकदम छोटा कर देते हैं यहाँ पे, छोटा करने के बाद इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेव, और यहाँ बॉर्डर में हम चारों तरफ का बॉर्डर देते हैं, यहाँ बीच का बॉर्डर देते हैं। ये वाला जो बॉर्डर है इसको मत दीजिए, इसको हटा दीजिए और रखिए, और इसकी बैकग्राउंड कलर को कर दीजिए व्हाइट। अच्छा लग रहा है, एक ही से अब इसके बाद इसको सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर्मेट सेल, फॉन्ट, सुपर स्क्रिप्ट, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। अब बॉर्डर की बात हो रही है, तो मान लीजिए कि मैंने कहीं इंटरनेट से कहीं से कोई पैराग्राफ लेकर आता हूं मैं, इसी मान लीजिए इसी पैराग्राफ को मैंने यहां से लिया, कॉपी किया। अब पूरा का पूरा पैराग्राफ तो एक सेल में आएगा नहीं, तो इसलिए हमने कई सारे सेल को सेलेक्ट करके मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद अब डायरेक्ट पेस्ट नहीं होगा सर, तो पेस्ट करने के लिए आपको डबल क्लिक करके पेस्ट करना होगा। फिर यहां से हम यहाँ पर रैप कर देते हैं ताकि रैप में हो जाए, सेंटर कर देते हैं और लेफ्ट से कर देते हैं। तो ये इसके बाद जो एक्स्ट्रा कॉलम वगैरह आप यहाँ से हटा सकते हैं, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि जैसे यहाँ पे अपडेट या सपोर्ट जो लिखा हुआ है ना, सपोर्ट लिखा हुआ है, ये सपोर्ट इसने गलत लिखा हुआ है, तो इसको गलत है ये शो करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उस डबल क्लिक करके उस करेक्टर को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके
फॉर्मेट सेल पे चले जाइए और यहाँ आपको स्ट्राइक थ्रू दिखेगा और इसकी कलर भी रेड कर दीजिए। तो आप एक पट्टी जो फॉर्मेटिंग चेंज किया पूरा सेल पे चेंज नहीं हुआ, वो सिर्फ एक सिलेक्ट जो सपोर्ट हमने सिलेक्ट कर रखा है उस पर अप्लाई होगा, कोई भी देखेगा अगर हाँ ये तो गलत है। ठीक है, आपको समझाना नहीं होगा। लेकिन यही चीज अगर नंबर में हुआ, जैसे कि मैंने 85 लिख दिया, 96 है, 32 है, 78 है, 45 है, यहाँ इस तरह का है, तो इसमें कैसे करेंगे? तो इसमें हम करने के लिए कर सकते हैं बॉर्डर। हम फॉर्मेट सेल के हम जाएंगे बॉर्डर में और बॉर्डर में जाने के बाद यहां से लेंगे कलर रेड, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहां क्लिक किए और यहां क्लिक किए, F4 कीजिएगा तो लास्ट एक्शन रिपीट करेगा। F4 क्या करता है? लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। फिर यहां सही के निशान के लिए मैंने कलर चेंज कर लिया, मैं ग्रीन कर देता हूं, इसको सेलेक्ट किया, इसको इसको सेलेक्ट किया, मोटा ले लेता हूं थोड़ा सा, हाँ। लेकिन ये तो फॉर्मेटिंग है, क्योंकि इसके भी आप पे कोई फॉर्मूला फिल्टर वगैरह आप नहीं लगा सकते। तो फॉर्मूला फिल्टर लगाना है तो कैप्स में पी लिखिए और ओ लिखिए, ओ क्रॉस के लिए और पी टिक के निशान के लिए। इसको सेलेक्ट किए हम यहां पे राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, क्लास से भी 10-5 मिनट कर दो। सॉरी, तो यहां हम इसके ऊपर फॉन्ट जो है ना हमारा, वो हम ब्रिटैनिक बोल्ड पे फॉन्ट कर देते हैं, ब्रिटैनिक बिटरिंग बोल्ड, माफ कीजिएगा, बाइंडिंग टू, लग रहा है बुढ़ापा असर कर रहा है, मैं चीजें भूल रहा हूँ, समझ गया सर। तो इस तरह के छोटे मोटे फॉर्मेटिंग ट्रिक्स है, जैसे कि इसको आप चाहो तो जे लिख के और -45 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दोगे तो भी आपका टिक का निशान बन जाएगा। तो इस तरह से रोटेशंस भी यहाँ से आप यहाँ से भी डायरेक्ट रोटेशंस कर सकते हैं। और ए इंडेंट होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया डैशबोर्ड और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं, इंडेंट कर सकते हैं। तो मर्ज तो मैंने बताया ही, मर्ज कर सकते हैं, अक्रॉस मर्ज, यहाँ से अक्रॉस भी मर्ज होगा। और उसके बाद यहाँ हमारा नंबर का फॉर्मेट होता है ये। तो नंबर फॉर्मेटिंग और कंडीशन फॉर्मेटिंग जैसे कि हमने बात की थी कल की क्लास में, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब आपके पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, एक बार इसको एक्सरसाइज को कर लेते हैं। ठीक है सर, फिर कल अपने डाउट क्लियर कर लेंगे। हाँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर कल मॉर्निंग में हम इसी टाइम पे कनेक्ट करेंगे और कंडीशन नंबर फॉर्मेट में कस्टम फॉर्मेटिंग कंडीशन फॉर्मेटिंग को फेस करेंगे। ठीक है, चलिए। और अभी मैं आपको एक आर्टिकल भेजूंगा पढ़ने के लिए, तो उसको टाइम निकाल कर पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके, बाय। ओके।